आइसलैंड में 6000 साल शांत रहने के बाद एक ज्वालामुखी फटा। इसे देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही कुछ वैज्ञानिकों की टीम भी यहां मौजूद है जो लावा और ज्वालामुखी पर रिसर्च कर रही है। ज्वालामुखी फटने की वजह खोज रहे हैं। इसी दौरान वैज्ञानिकों को भूख लगी। वे अपने साथ बन और चिकन सॉसेस लाए थे। उन्होंने बन और सॉसेस को गर्म लावे पर ही ग्रिल किया, उसे बन में लगाया और टमाटो सॉस के साथ खाने लगे। अब वैज्ञानिकों की इस टीम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वैज्ञानिकों ने हॉट डॉग बनाने के लिए जो रेसिपी अपनाई है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। अक्सर हॉट डॉग की फिलिंग के लिए सॉसेज को ग्रिल किया जाता है, लेकिन ज्वालामुखी पर उसको ग्रिल करने का वैज्ञानिकों ने नया तरीका निकाला। आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित माउंट फेग्राडल फॉल्स में पहला विस्फोट 4 दिन पहले हुआ। तब से लगातार इस ज्वालामुखी से लावा बाहर निकल रहा है। ये ज्वालामुखी रेकजाविक शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर है। माउंट फेग्राडल फॉल्स ज्वालामुखी फटने की वजह से 1640 फीट ऊंची लावे की आकृति बन गई है। इस ज्वालामुखी ने पिछले 4 दिनों में 1 करोड़ वर्ग फीट लावा उगला है। कई बार तो लावे का फवारा 300 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।